हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे फ्लैशलाइट टॉर्च यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे जब आप उसको क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता है, ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको इशू बता देता हूँ कि ये जो जो टॉर्च का ऑप्शन है वो आपके फ़ोन पे वर्क क्यों नहीं करता है। तो अगर आप लोग अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है तो आपको ये इशू आ सकती है कि आपके फ़ोन में टॉर्च जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो आप लोग अपने फ़ोन को जो है नॉर्मल रखिए, ज़्यादा गर्म आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों का फ़ोन जो है वो नॉर्मल ही है फिर भी आपके फ़ोन में ये इशू आ रही है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है। तो आपके फ़ोन पर भी इस तरीके से रिबूट का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करके अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में एक ऑप्शन रहता है, ये सेटिंग का एप्लीकेशन रहेगा, तो आप लोग उसको जो है लॉन्ग प्रेस करिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको नीचे में क्लियर डेटा का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको क्लियर ऑल डेटा कर देना है। तो ऐसा करने के बाद आपके फ़ोन की जो सारी सेटिंग्स रहेगी वो यहाँ पे रिसेंट हो जाएगी। तो ऐसा करने के बाद हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।